अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। दिन का आगाज हो चुका है। अच्छा, और मेरी भाभी जो है ना, सॉरी जी है? तो मेरा दिल रहा आज क्यों ना उनका व्लॉग मैं स्टार्ट करूं। वाओ, तो ये देखे मैं स्कूल के लिए रेडी होगी। जरा पकड़े दिखाएं, ये मेरी यूनिफॉर्म है। और अब हम आपको बाय का मौसम दिखाते हैं, क्या हुआ है ना। उससे दिखाने से पहले सबसे पहले ये दिखा देती हूँ। और यो इसको कोई दुनिया की परवाह नहीं है, सोती है। और ये है कुछ मौसम, अभी सही नहीं नजर आ रहा है, सूजी है सूजी। और जोना मत हो रहा, कहाँ पे है जोना। अब हमारी आ गई है कम वाली पाँच, ये जोना बैठ गई है दरवाजा के साथ ही। सारे नो रियो, ये हम दरवाजा से अब करते हैं क्योंकि और के बिना फायर बार चले गए। बार में ऊपर चले जाते हैं, भाई ये फायर में जोना ऊपर चले जाती है, इसकी मतलब ना सॉरी लुक है। और अभी बस पहले लेने हैं। अब मैं आपको मिलती हूँ स्कूल के आने से। तो फ्रेंड्स, अब मेरे ऑटो वाले आ गए हैं, तो अब मैं आपको स्कूल से आके मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मेरे रिक्शे वाले आ गए, तो अब मजा आ Years later. So friends, मैं अब स्कूल से आ चुकी हूँ। मैं फ्रेश भी होगी, मैंने हाथ भी धो लिया एंड मेरे कपड़े भी चेंज हो चुके हैं। तो स्कूल से आके थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया। अब हम खाएंगे खाना शाना, फिर थोड़ा सा रेस्ट करके फिर हम ट्यूशन जाएंगे। अभी यहाँ पे सूजी बड़ी हुई है। सूजी, आर यू ओके? सूजी को पता नहीं क्या हुआ है आज। एंड यहाँ पर हमारे साथ ओरियो है। हेलो, तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और फातिमा के व्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी आँख खुलती है यहाँ 3 बजे और मुझे फूफो ने उठाया और मुनीब को ये ओरियो उठा रहा है। यहाँ हमारे फिर बन रही थी आज घर में खीर, जो कि मेरी थी खीर पकाई की रस्म, और मेरी रस्म को अदा कर रही है मेरी फूफो। खीर या गजरेला अपने भरपूर एहतमाम के साथ पक रहा था, तो फिर मैंने अपने घर में खाने के लिए बनाए आज आलू मटर वाले चावल, जिसके लिए मैं प्याज को फ्राई कर रही थी। तो आज सुबह फातिमा ने मेरे व्लॉग डे का स्टार्ट किया, जिसमें उसने अपना डे रिकॉर्ड किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ आप भी इसे इंजॉय करेंगे। और ये फातिमा आ गई अपनी ट्यूशन से। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैं ट्यूशन से आ चुकी हूँ, पैदल जाती हूँ ना, इसलिए पास है लेकिन थोड़ा सा मतलब हर रोज पैदल जाना आना, बैक का बहुत मसला होता है, मेरे पाँव भी बहुत दर्द हो रहा है। तो अब मैं आपको मिलती हूँ फ्रेश होके, बाय। हेलो फ्रेंड, मैं ट्यूशन से आ चुकी हूँ और मैं हो रही थी थोड़ा सा बोर, तो मैंने कहा देख लेते हैं मोबाइल देख लेते हैं। तो हम देखें मोबाइल देखते देखते 6:14 हो चुकी हैं अभी। और मम्मा तारी की तैयारी कर रही है, मतलब अभी ला रही है चीज़ें। ये है जी शरबत हमारा, और अभी देखते हैं किचन में और भी क्या कुछ पूरा है। इसको मैं कितनी दफ़ा कहती हूँ यहाँ की तरह से कर लिया था, इसकी हरकतें तो देखिए, नहाया ना अभी इसलिए इसको गुस्सा आ गया। हेलो, कैसे हो? अभी ये इतना प्यारा मीठा मिठू तो ठीक है, ये हमारा रोजा खुल गया और अब हम करेंगे रोजा। आपको रोजा इतना ठीक है। तो ये जी मैं जामी शेरी पहन गई, जो कि बहुत मजे बन गई है, मेरे कपड़ों पर भी गिर गया। तो अब मैं आपको बताती हूँ सारी की बात।
तो गाइज यहाँ हमारे आलू मटरों वाले चावल तैयार हो गए थे, जिन्हें हम लोगों ने अफ्तारी के बाद नोश फरमाया, और फातिमा भी आपको अपने व्लॉग में दिखाएगी। फूफो इसका दाम उतारने के बाद अच्छे से देख रही थी कि ठीक बनेया। और तो फ्रेंड्स इफ्तारी के बाद अब हम खाने लगे ये चावल, ये दही, ये पता नहीं कौन सी चटनी, ये स्पेशली मेरी भाभी ने मेरे लिए। और ऐसा हो मैं खाना खाऊं या कुछ भी चीज करूं, स्कूल जाने से पहले, ट्यूशन के आने से पहले, इफ्तारी के बाद तक मैं रजब देखती हूँ। ये मेरा पाकिस्तान का फेवरेट यूट्यूबर है रजब, और इसके एपिसोड में देखती हूँ। मजाक मजाक में ईमान गुस्सा कर गई इफ्तारी पे। मैंने देखी है इसकी मानो से सजा मिल गया। चले अब आपको मिलती हूँ मैं खाना खाने के बाद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इफ्तारी के बाद आ चुकी है मेरी नानो। फ्रेंड्स मेरी नानो के जाने के बाद मैं थोड़ा सा मेरा होमवर्क रह गया था, जो कि मैं कहती हूँ टीचर को, ट्यूशन वाली को, मैं घर में जाके कर लूँ। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम वो मैंने कंप्लीट किया। ये मेरा होमवर्क था, चेंज द ऑर्डर एंड ग्रुपिंग वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये होमवर्क था ये किया, और सबसे एंड पर ना मुझे डेट एंड डे लगाना, इतना मतलब आप लोगों को भी फजूल लगता होगा, इतना ज्यादा फजूल है। होमवर्क दिल से करती हूँ मैं, बड़ा मजा आता है होमवर्क में, मतलब जो टीचर समझा रही होती है वो समझाती हूँ मैं, और घर आके वो कर लेती हूँ। अच्छा, लेकिन जब डेट एंड डे की बारी आती है इतना ज्यादा मुझे बुरा लगता है। तो अब यहाँ पे भी नहीं मैंने होमवर्क लिखा ना डेट डे ना यहाँ पे ना यहाँ। अब हमारे घर एक गेस्ट आ रही है मेरे मामू, तो फटाफट से काम करते हैं, फिर आपको मिलते हैं। A few inches later, आनी है तो मैंने कहा थोड़ा सा मुंह मतलब सवार लूं, फ्रेश कर लूं। तो ये अभी मैंने लगाया है लोशन, इसको मिलता है मुझे ना, इसका मिलने में बड़ा मजा आता है। ये ना क्या करता है, ग्लो भी करता है, क्योंकि ये फेयर लवली है ना, ग्लो एंड लवली, ये ग्लो भी करता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट भी कर देता है। देखिए मेरी गाइस स्किन कितनी क्लियर हो गई है, सॉफ्ट, इससे सॉफ्ट भी होती है, क्लियर भी हो जाती है। अब हैंड पर लगाते हैं, देन फिर अपने बालों को ऐसा करते हैं। सुबह से मेरे बाल यही बजा रहे हैं। तो जी मैंने बनानी है अपने बाल, अब मैं आपको मिलती हूँ जब गेस्ट आएंगे ना तब। तो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं, मैंने बालों को पीछे किया। आरी आरी की बेटी रहा है, हेलो कर दो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ये ताहा है इनका, और ये कर दे, जाना नहीं अब मैं आपको पता ना, अब सही पास की बड़ी स्टार्ट हो। हेलो, ओ देखो क्या ज्यादा से कैश बड़ी पसंद है तुम्हारी, सबसे ज्यादा ओरियो, नो नो ओरियो इधर। आपा क्यों नहीं आई? आपा नहीं आई, आपा नहीं आई। तो ये हमारा है कैमरा, आओ मेरे पास आओ, आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, ये बहुत है। Did you have a good job? Hello, hello कर दो, hello कर दो। जाओ आप टाइम्स के बाद। तो अभी मैंने आपको बताया था सही बच्चा पार्टी आ जाऊंगी, अभी मैं सही गाड़ी भी नहीं, कुछ मैंने अपने बालों को आगे कह दिया कि मैं यहाँ पे करूँ, यहाँ पे करूँ अपने बालों को या यहाँ पे करूँ। एक नजर चेक करते हैं नाम जी, क्या नाम, क्यों आ रही, हमारा पिया पिया आ गया, या तो मैंने बाल भी अपने बच्चे जी मेरे बाल में। तो अब मैंने कहा कि क्या करते हैं, और अपने खाले से भी मिला, अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ तो नहीं लाती, अस्सलाम कैसी है, तारे को क्यों नहीं लाती, अच्छा वो अपना फेस रिव्यू करवाना चाहती ना इसलिए। तो अब मेरे हाथ A few moments later. मैं थक चुकी हूँ, अब मैं सो रही हूँ, क्योंकि सुबह स्कूल भी जाना है, अभी शायद 1 बजे होंगे। तो
ओके गाइज, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि हमारे 1 मिलियन से 10 मिलियन हो जाए। चले अब कल मिलते हैं नए एक व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।